आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में लगातार डॉक्टरों के साथ हो रही बदसलूकी और मारपीट से आहत होकर आरडीए यानी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा खुले शब्दों में चेतावनी दी गई थी, जब तक डॉक्टरों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तब तक कोई डॉक्टर काम पर नहीं जाएगा। लेकिन चंद घंटों बाद ही एमयू प्रशासन के द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया और डॉक्टरों की सुरक्षा में नए सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की गई। साथ ही डॉक्टरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है और डॉक्टरों को पूर्ण रूप से सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। जैन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का कहना है कि जहां कोरोना महामारी जैसी बीमारी से डॉक्टर निष्पक्ष लगातार अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं और वहीं डॉक्टरों की कमी होने के कारण मरीज के साथ जो लोग आते हैं वह चाहते हैं कि तुरंत ही इलाज हो और तुरंत ही फायदा हो, लेकिन जो प्रोसीजर है उसी के तहत देखा जाता है। लेकिन परिजन चाहते हैं कि तुरंत ही इलाज हो। सिक्योरिटी गार्ड को डॉक्टरों के साथ खड़ा रहना चाहिए और परिजनों को समझाकर बाहर कर देना चाहिए जिससे डॉक्टर को काम करने में आसानी हो। वहीं जैन मेडिकल कॉलेज के सीएमओ डॉक्टर एहसान अहमद ने बताया कि उस दिन ही हादसे के बाद जैन मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो पुरानी सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी जगह नई सिक्योरिटी तैनात की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं जब मरीज के साथ एक व्यक्ति से ज्यादा लोग अंदर चले जाते हैं, उसी को देखते हुए हमने यह भी शक्ति बढ़ा दी है कि मरीज के साथ केवल एक ही व्यक्ति अंदर जाएगा और डॉक्टर साहब से हमने सिक्योरिटी बढ़ाने की भी मांग की है। अलीगढ़ से लाइव स्टूडियो न्यूज के लिए बबलू खान की रिपोर्ट। इसकी देखिए सुरक्षा को रिव्यू किया गया है और डॉक्टर साहब से बात भी की गई है और जहां जहां ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स का लग रहा है कि जहां ज्यादा इंसिडेंट्स होंगे वहां पे हमने सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी है। कुछ सिक्योरिटी जो पुरानी थी उसको हमने हटाया है और नई सिक्योरिटी हमने जो एक्टिव लोग हैं उनको बुलवाया है। नहीं, इसमें असल में देखिए दिक्कत यह है कि हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहेगा। वो जब अटेंडेंट बढ़ जाते हैं और इमरजेंसी में ज्यादा आ जाते हैं एक से ज्यादा तादाद में तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उस पर भी हमने थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाई है कि एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट घुसे, उससे ज्यादा ना घुसे। हमारी पूरी कोशिश है कि आगे जो इस तरह का कोई वाकया ना हो। देखिए आडी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर लगातार जो एमयू के जिम्मेदार हैं, जो प्रोक्टोरियल टीम है उनके सामने जो है इस चीज़ को रखती हुई आ रही है। लेकिन बेहद अफसोसनाक है कि डॉक्टरों की आडी की कभी कोई बात नहीं सुनी गई। पिछले 6 महीने से रजिस्ट्रार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके हम लोग चाह रहे थे कि कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन उसमें भी कोई अब मीटिंग होगी तब मीटिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, आज तक उस पर भी कोई अमल नहीं दरामद हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब बस सिर्फ बातें ही बातें हैं, लेकिन उस पर कोई काम देखने को मिला नहीं है। और जो जीबीएम में हमने डिसाइड किया है, जो हमने हमारी मांगें रखी हैं सिक्योरिटी को लेकर, हमें पूरा उम्मीद है कि ये कुछ नहीं करेंगे। हालांकि प्रॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पेपर में स्टेटमेंट दिया है कि जो है ट्रामा की सिक्योरिटी डबल कर दी जाएगी, तो आरडीए इस चीज को मानती है कि इनका जो वक्तव्य है ये जैसे पहले और दूसरे प्रॉक्टर ने दिया है और दूसरे जो यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने जो है सिक्योरिटी के बंदोबस्त को बेहतर करने के लिए दिया है वैसे ही इनका भी स्टेटमेंट होगा। हम लोग बहुत जो है खुशकिस्मत होंगे कि अगर वहां की सिक्योरिटी जो है बेहतर कर दी जाएगी प्रॉक्टर वसीम सर के जरिए से। रीजन क्या रहता है जैसे झगड़े होते हैं, हमले होते हैं? देखिए हमला सिर्फ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं इमरजेंसी में सिक्योरिटी की कमी है, यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। एक तो अभी ये होता है कि जब कोई पेशेंट लड़ा होता है तो सिक्योरिटी उस समय नहीं आकर खड़ी होती है, सिक्योरिटी उस समय होनी चाहिए, गेट पर भी होनी चाहिए। और सिक्योरिटी होती है साथ में तो डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि वो पेशेंट से कन्वर्सेशन करे उसी हिसाब से, और सिक्योरिटी नहीं होगी यहाँ पर तो हमें कौन डिफेंड करेगा? हम अपना काम कर रहे हैं तो उस समय सिक्योरिटी की जरूरत होती है। क्या रीजन रहता है जिससे रीजन एक बहुत बड़ा इशू मुझे लगता है कि जो है अभी डॉक्टर्स की टीम्स कम है, क्वारंटीन हो जाती है, तो कोविड के चक्कर में काफी टीम्स हमारी क्वारंटीन है इस समय, और उसके अलावा डॉक्टर्स की कमी तो हमेशा है ही है, हर जगह कमी है डॉक्टर्स की। तो यही रीजन से पेशेंट चाहता है कि उसका एकदम तुरंत